ये देखिए हमारा पनीर हो गया है, तो बहुत ही लाजवाब टेस्टी बना है। देखिए कितना मसालेदार है कितना। अभी हम देखते हैं हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हो आप लोग आप खैर के साथ होंगे। आज हम पनीर बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया। ये मेरा मतलब फुल फैट मिल्क है, ये भैंस का है। आपको जब पनीर बनाना है तो फुल फैट मिल्क लीजिए, जिससे ना हमारा पनीर बहुत ही अच्छा निकलता है। अगर आप पैकेट वाला दूध लेंगे तो उसमें क्या लचक नहीं आती है। तो ये हमने पूरा पनीर लिया, दूध लिया 1 लीटर, और इसको अब हम उबलने देंगे। फिर हम इसे विनेगर या नींबू से आप फाड़िए इसे। ये हम पनीर उबलने के मतलब दूध उबलने के बाद हम इसके अंदर कुछ सामान डालेंगे, जिसके अंदर हम धनिया, ओरिगानो 1 पूरा टीस्पून और 1 टीस्पून पूरा रेड चिली फ्लेक्स से ये हम डालेंगे, जिससे हमारा पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए हमारा दूध उबल गया है, अब इसके अंदर हम विनेगर से फाड़ रहे हैं, और ये सब हमारे जो इस मसाले वो हमने डाल दिया है इसके अंदर। आप इसके अंदर चाहते थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, वो हमारे पास है नहीं तो इसलिए हमने वो नहीं डाला है। अब इसके अंदर हम 1 पूरा टीस्पून अपना विनेगर डाल दिए हैं। ये देखिए हमारा दूध फट भी गया है, देखिए ये देखिए हमारा हो गया। तो हमने गैस बंद कर दिया, अब इसको छान देंगे हम, और एकदम टाइट कपड़े में इसको बांध के हम 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे। इसमें हम थोड़ा नमक भी डाल रहे हैं, जिससे हमारा पनीर सादा नहीं रहेगा, ये थोड़ा अच्छा स्पाइसी मसाला हो जाएगा। अगर इसमें कुछ बच्चे भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ स्पाइसी नहीं होता, लेकिन एक देखने में बनाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हम एक कपड़े में मलमल के उलट रहे हैं इसको। ये देखिए हमारा हो गया, अब इसको हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो खट्टापन है विनेगर को निकल जाए, और ये हमें अच्छा पनीर साफ मिले, और इससे ना हमारा पनीर बहुत ही लचकदार बनेगा। आप जितना हो सके फुल फैट मिल्क लीजिएगा, सादा मिल्क मत लीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारा अच्छा बनता है पनीर। ये देखिए हमने जिसमें पनीर बनाया था वो हांडी में पानी भर के, और हमने ये देखिए पनीर इसके अंदर, ये देखिए हमने कपड़े में रखा, और इसके ऊपर एक वज़न हांडी रख दी थी, ताकि इसका पूरा पानी निथर जाए। पनीर को कपड़े में रख के हम वज़नदार हांडी रख दिए थे। देखिए हमारा कितना खूबसूरत पनीर बना, देखिए आप लोग भी ऐसी बनाइए। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में। ये देखिए हमारा पनीर हो गया, तो ये हम देखते ही हमने कैसे बनाया है। ये देखिए आप इसको ना पनीर का पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनता है, और बहुत ही यूनिक हमने पनीर बनाया है। आपको ये बाज़ार में और महंगे मिलेंगे, आप ये घर में बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम दूध में आपका इतना सारा पनीर बन गया है। देखिए देखिए कितने मोटे स्पंज है, देखिए ये देखिए, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक एक दानेदार ऐसा लग रहा है कि अब भी इसको ऐसे ही नमक में ग्रिल करके अब भी खा लिया जाए। तो आप लोग भी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा ये बना है। चलिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग फिर काटिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा बार बार मन कर रहा है बस मैं आप लोग को वीडियो ही करती रहूँ और दिखाती रहूँ। ये बहुत ही टेस्टी दिख भी रहा है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।